पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो गई है। उन्होंने अपनी नई पार्टी के गठन का ऐलान किया, लेकिन कहा कि नाम और चुनाव चिन्ह के बारे में बाद में बताएंगे। इसके लिए चुनाव आयोग में आवेदन कर किया है और मेरे वकील इस मामले को देख रहे हैं। कैप्टन अपनी उपलब्धियां बताई हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के रूप में अपने वादे पूरे किए, पंजाब की सुरक्षा से अभी समझौता नहीं किया। उन्होंने कहा कि मैं करीब 9.5 साल पंजाब का मुख्यमंत्री और गृह मंत्री रहा, इसलिए राज्य के सुरक्षा के खतरों व चिंताओं से अवगत हूँ। इस बारे में समय समय पर केंद्र को भी बताता रहा। उन्होंने कहा कि वे कांग्रेस सुरक्षा उपायों को लेकर मेरा मजाक उड़ाते हैं। मेरी बेसिक ट्रेनिंग एक सैनिक की है। मैं 10 साल से सेवा में रहा हूं। मेरे प्रशिक्षण की अवधि से लेकर सेना छोड़ने तक, इसलिए मुझे मूल बातें पता हैं। दूसरी ओर मैं 9.5 साल तक पंजाब का गृह मंत्री रहा। कोई जो एक महीने से गृह मंत्री रहा है, ऐसा लगता है कि वह मुझसे ज्यादा जानता है। कोई भी परेशान पंजाब नहीं चाहता। हमें समझना चाहिए कि हम पंजाब में बहुत मुश्किल दौर से गुजरे हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा, 4.5 वर्षों के दौरान जब मैं मुख्यमंत्री था, तो हमने जो हासिल किया है उसका पूरा विवरण हम दे रहे हैं। यह हमारा घोषणा पत्र है। जब मैंने पदभार संभाला था उस समय की स्थिति और हमने जो हासिल किया है उसका यह हमारा घोषणा पत्र है। उन्होंने कहा, मैंने हमेशा सैनिक के तरह काम किया। मैं सीएम के रूप में किए गए अपने कार्यों के बारे में पूरा हिसाब दूंगा। उन्होंने कहा कि मेरे लिए पंजाब सुरक्षा और हित सबसे सर्वोपरि है। ड्रोन से ड्रग और हथियारों की तस्करी हो रही है। ड्रोन के रेंज में लगातार वृद्धि हो रही है और इससे पंजाब की सुरक्षा को खतरा है। सुरक्षा मामले पर किसी तरह की सियासत नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के रूप में अपने किए गए काम का एक मैनिफेस्टो भी तैयार किया है। थोड़ी देर में अपने अगले सियासी कदम का ऐलान करेंगे। कैप्टन थोड़ी देर बाद मीडिया से रूबरू होंगे और संभावना है कि वह अपनी नई पार्टी की घोषणा कर सकते हैं। इसको लेकर सुबह से पंजाब खासकर चंडीगढ़ में राजनीतिक हलचल तेज है। कैप्टन अमरिंदर सिंह आज अपनी पार्टी की घोषणा करते हैं या नहीं, इसको लेकर चर्चाएं चल रही हैं। बताया जा रहा है कि पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर पंजाब की सियासत में आज नया दामो खेलेंगे और इससे राज्य में नया समीकरण सामने आ सकता है। बताया जाता है कि कैप्टन ने आज सुबह भी अपने करीबी नेताओं और समर्थकों के साथ विचार विमर्श किया है। उनके साथ राज्य के कुछ पुराने नेता भी आ सकते हैं। जानकारी के अनुसार कैप्टन की नई पार्टी के नाम में कांग्रेस शब्द जरूर होगा। उनकी रणनीति राज्य में कांग्रेस की जगह खुद की पार्टी को लाना होगा। चर्चा है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह की पार्टी में उनकी पत्नी सांसद परनीत कौर सहित कुछ सांसद व कई विधायक और पूर्व विधायक व पूर्व मंत्री आज शामिल हो सकते हैं। वैसे विधायक और सांसद अभी इंतजार भी कर सकते हैं। सूत्रों का कहना है कि अपनी पार्टी की घोषणा के बाद वह केंद्रीय कृषि कानूनों और किसान आंदोलन की समाप्ति के लिए सक्रिय होंगे।